सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन को छोटे लागे घाव करे गंभीर। मुकेश जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका इन ये लघु कथाओं का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और एक मार्मिक कथाएं जो आप छोटी छोटी उसे नरेट करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, वो सीधा उसका प्रभाव हमारे दिल पे पड़ता है। इसके लिए मैं आपको दिली मुबारकबाद देती हूँ। अपने सारे साथियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इन छोटी छोटी लघु कथाओं का आनंद लीजिए, इन्हें ज़रूर सुनिए, और आगे भी आप अपने दोस्तों से यह अनुरोध करें कि उन्हें सुने। धन्यवाद। आप सबका तहे दिल से स्वागत और आनंद पूर्वक नमन अनोखी कहानियों के इस अद्भुत मंच पर। आज की कहानी का नाम है सैनिक और चाय की दुकान। एक रात गश्त के दौरान सैनिकों की टुकड़ी अपने कमांडर के साथ एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। रास्ता बेहद कठिन था और सैनिकों का साहस भी जवाब दे रहा था। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी, पर वो बंद थी। सैनिकों ने थकी आंखों से कमांडर की तरफ देखा। कमांडर समझ गया कि सब सुस्ताना चाहते हैं। उसने आदेश दिया कि कुछ समय के लिए वे लोग वहां आराम करेंगे। सब बैठ गए। फिर एक सैनिक ने कहा, यार अगर इस ठंड में चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। कमांडर समझ गया कि सैनिकों को चाय पीने का मूड हो रहा है। फिर उसने चाय की बंद दुकान पर लगे ताले को देखा और कहा, पर ताला बंद है, चाय कैसे पियेंगे? एक सैनिक बोला, साहब जी ताला तोड़ देते हैं, वैसे भी हम इन लोगों की रक्षा भी तो करते हैं ना, एक कप चाय तो पी सकते हैं, इतना तो सर हमारा अधिकार बनता है ना साहब जी, वैसे भी हम कौन सी दुकान लूटनी है हमें। इतना कह के ताला तोड़ दिया गया। सब ने चाय पी, बिस्किट खाए और चल पड़े अपने रास्ते पर। कमांडर ने जाते जाते 500 रुपए के दो नोट टेबल पर रख दिए। सुबह जब दुकानदार ने देखा कि ताला टूटा हुआ है तो बोला, हे भगवान, एक तो वैसे भी मेरे पास बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं, ऊपर से तूने मेरी दुकान भी लुटवा दी। वो घबराया हुआ अंदर गया और देखा कि सामान तो सब ठीक था, बस बिस्किट कम थे। हाथ सर पर रख के टेबल पर बैठा ही था कि उसे वो 500 रुपए के दो नोट दिखाई पड़े। वो खुशी से झूम उठा। जब सैनिकों का जत्था वापस आया तो उसी दुकान पर चाय पीने के लिए रुक गया। दुकानदार ने गाना गाते हुए सबको चाय पिलाई। एक सैनिक ने सोचा कि रात को इसकी दुकान पर खूब दावत उड़ाई थी और ये तो ऐसे झूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सोचकर उसने दुकानदार से पूछ ही लिया, चाचा बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, हमें भी तो बताओ। इस पर दुकानदार हंसते हुए बोला, क्या बताऊं साहब, कल रात मेरी दुकान पर भगवान आए थे। ये सुनते ही सबकी निगाहें दुकान पर जा टिकी। भगवान मतलब, सैनिकों ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ भगवान, बात दरअसल यूं है कि मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, तो सोचा क्यों ना दुकान का सामान बेचकर बेटे का इलाज करवा लूं, वैसे भी औलाद के बिना जीकर क्या करता, मेरा दुनिया में है कौन उसके सिवा। आज जब मैं दुकान पर आया तो ताला टूटा हुआ मिला। पहले तो लगा कि दुकान लुट गई, मेरे बेटे का क्या होगा, फिर जब अंदर आया तो देखा भगवान ने बैठकर चाय पी, बिस्किट खाए और 500 रुपए के दो नोट वो रखकर चले गए। शायद उनको पता था कि मुझे 1000 रुपए की ही जरूरत है अपने बेटे के इलाज के लिए। दुकानदार की ये भोली भाली बातें सुनकर सब सैनिक कमांडर की तरफ देखने लगे। कमांडर ने आंखों से ही सबको समझा दिया कि किसी का अटूट विश्वास भगवान पर बना रहने में ही भलाई है। सब ने अपनी अपनी चाय खत्म की और अपने रास्ते पर निकल पड़े। कहानी खत्म। देखें क्या कह गई सैनिकों की ये दास्तान। यही कि कई बार हमारे द्वारा की गई छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। हम चाहे इसे ना महसूस कर पाए, पर जिसकी मदद की जाती है ना, वो हमेशा आभारी होता है। और वैसे भी भगवान खुद नहीं जाते हैं किसी की मदद करने के लिए, ये जिम्मेदारी मात्र उन्हीं लोगों पर ही छोड़ देते हैं जिनके अंदर मानवता का निवास होता है। इसलिए जब भी जहां भी मदद करने का मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें। क्या पता किस काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना हो। अगली मर्तबा एक और कहानी, एक और नया फलसफा, एक और नई सीख।